हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल में जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में। गवर्नमेंट की तरफ से इन जॉब्स का ऐलान किया गया है। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है, इस जॉब को आपने कौन सी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, कौन कौन सी इसमें जॉब्स आई हुई हैं और इस जॉब को अप्लाई करने के बाद आप इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तमाम बातें डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट की जॉब है, 7 स्केल की ये जॉब है। इसमें 4 के करीब वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास MBA, MSc, LLB, BBA ऑनर, जो भी आपके पास डिग्री है, आपके मतलब मास्टर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, ये 6 स्केल की जॉब है। इसमें 4 वैकेंसीज हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो मिनिमम स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, ये 5वें स्केल की जॉब है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो और 2 साल का इस फील्ड के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, इसके लिए ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 5 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर ऑडिटर की जॉब है, इसके लिए BBA फाइनेंस, BCom, ये इसके रिलेटेड अगर कोई डिग्री आपने की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट तमाम जॉब्स को अप्लाई करने के लिए जो है 30 साल है। उसके बाद स्टोर कीपर की जॉब है, इसके लिए BA या BSc या इसके रेलिवेंट कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट 2 की जॉब है, इसके लिए ICS या इसके रिलेटेड कोई डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद स्टोर मैन की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल होनी चाहिए। कंप्यूटर पर आपको काम करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया लैब अटेंडेंट की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 3 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अटेंडेंट की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर 2 की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन और ड्राइविंग का लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद ट्रैक्टर ऑपरेटर 2 की जॉब है, इसके लिए मिडल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ड्राइविंग का लाइसेंस भी होना चाहिए और इस फील्ड के रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अटेंडेंट 2 की जॉब है, इसके लिए मिडल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी और इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि आपको इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपर्ट होना चाहिए। आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपने www.parc.gov.pk के वेबसाइट पर जाना है और इस वहाँ पर जाकर आपने ऑनलाइन इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। 5 अक्टूबर 2024 इस जॉब को एप्लीकेशन को सबमिट करवाने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा लेनी है। उसके अलावा 500 रुपये का इसमें चलान फॉर्म भी आपने मतलब एक है जो कि आपने जमा करवाना है। उसके बाद जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसको आपने साथ अटैच करना है। जब आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है तो आप इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? इसके टेस्ट की तैयारी के लिए आपने testpoint.pk के वेबसाइट पर जाना है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे सर्च का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। तो इस पर हमने जिस भी जॉब की तैयारी करनी है उसके रिलेटेड सर्च करेंगे। जैसे अभी हमने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जॉब के बारे में तैयारी करनी है तो हम वो लिखेंगे, वो लिख के हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें यहाँ पर नीचे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पास पेपर एंड सिलेबस ये आएगा तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पास पेपर, सिलेबस, गेस्ट पेपर, PDF बुक्स तमाम चीज़ें खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ से आपको इसके तमाम पास पेपर्स मिल जाएंगे और आपकी सारी तैयारी इंशाल्लाह ताला यहाँ से हो जाएगी। टेस्ट पॉइंट बेहतरीन वेबसाइट है। इसके अलावा भी अगर आप किसी पेपर, किसी जॉब के रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ पर जाकर भी आप इसके मुतालिक मालूमात ले सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।